क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। मेरा कोई मतलब पहचान नहीं है, कोई नेता विधायक से पहचान नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का ट्रांसफर करवा सकूं, बोल के ट्रांसफर करवा सकूं, या कोई अधिकारी लोग से जान पहचान नहीं है कि मैं कुछ घूस पैसा उसा दे के उसको ट्रांसफर करवा सकूं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे उनकी ट्रांसफर होगा। मैं खुद एक ऐसा पत्थर हूं कि कोई भी एक लात मारे तो हम कहाँ फेंकाएंगे पते नहीं चलेगा। हम क्या बताएं, मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, मेरा कोई पहचान नहीं है। हम क्या करें कैसे करें, उनकी ट्रांसफर कैसे होगा। मैं तो खुद रोड पर बैठ रोड की बसों को मैं धोता हूँ, रोड पर जो बस चलती है उसको मैं धोता हूँ, उसकी उल्टियों को साफ करता हूँ, जो बस की उल्टी होती है वो मैं साफ करता हूँ, और झाड़ू लगाता हूँ बस में। मैं कैसे करूँ, मैं मेरे पास तो कोई पहचान नहीं, मुझे तो कोई दूर से भी नहीं देखते हैं, मुझे दूर से ही लोग उल्टा सीधा बोल के निकल जाते हैं, मुझे डांटते भी बहुत सारे लोग हैं। क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। मेरी पत्नी का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं ट्रांसफर के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है उनकी भी ट्रांसफर कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओहो क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। कौन आ गया, कौन है ये जी? मुन्ना कैसे हो मुन्ना, सब बढ़िया? अरे पास्टर जी आप आए हैं। अरे पास्टर जी क्या बताएं, हमें तो बहुत चिंताएं लगा, हमारी पत्नी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हम मेरा कोई पहचान नहीं है, कोई अधिकारी लोग से जान पहचान नहीं है, कोई विधायक नेता से पहचान नहीं है कि हम जाए वहां पर लोगों से कह दे कि मेरी पत्नी के ट्रांसफर हो जाए, कुछ घूस उस पैसा उसे दे दें तो हो जाए ट्रांसफर, है ना। और हम तो खुद ही अब जानते हैं हम क्या काम करते हैं, बस धोते हैं। हाँ लोग जो उल्टी करते हैं वो बस वो उल्टी साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं बस में पास्टर जी, तो मेरा क्या मोल होगा, मुझे तो कोई भी किधर भी फेंक देगा ना जाकर। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें पास्टर जी, हम इसीलिए हम सोचे ना कि आप प्रॉफिट से जाए उनके सर, उनको बोले कि मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दे तो हो सकता है मेरा मतलब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ पास्टर जी हम जा रहे हैं उसी के पास, अगर अच्छा मुन्ना ये बात है, मुन्ना तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा तुम यदि परमेश्वर के पीछे हो लोगे तो ये सब सारी दुनिया जो है जितने अधिकारी लोग जो हैं, उद्योगपति लोग जो हैं और प्रॉफिट लोग जो हैं वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों आप भी ध्यान सुनेगा, अगर आप परमेश्वर का लाडला बन जाते हैं, यदि आप परमेश्वर का अनमोल बन जाते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल बन जाते हैं तो लोग आपके पीछे आएंगे। आपको लोग के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। आइए हम आपको परमेश्वर के वचन से समझाएं, आप निकाल लेंगे पहला समूएल उसका दूसरा अध्याय और 8 वचन में लिखा हुआ है, वो कंगालों को चुनता है, वो दरिद्र को उठाता है, वो उद्योगपति लोगों के बीच में खड़ा करता है परमेश्वर। जी हाँ परमेश्वर जो है जो कमजोर इंसान होता है, जो लाचार बुद्धि का जो मतलब अपने आप को पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, वो कमजोर है, वो समझता है मैं कोई मेरा मोल नहीं है संसार में, कोई कुछ भी कर सकता है मेरे को, तो जो वो लोग इंसान जो है जो अपने आप को कमजोर समझता है, अगर वो लोग परमेश्वर के पीछे जाने लगेंगे, चलने लगेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल बन जाएंगे, तो परमेश्वर उसे उठाता है और उद्योगपतियों के बीच में बैठा देता है और वहां पे खड़ा कर देता है, और वो लोग सोचने लग जाते हैं अरे ये कैसे बन गया, ये मेरे पास कैसे आ गया, तो बस होता था रोड पे, ये तो रोड पे झाड़ू लगाता था, ये तो लोगों का पॉटी साफ करता था, ये मेरे बीच में कैसे बैठ गया, ये मेरे बीच में कैसे आगे खड़ा हुआ। जी हाँ क्योंकि परमेश्वर जो है कमजोर लोगों को चुनता है और उसे उठाकर ऊपर ले जाता है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों आपको मैं बताना चाहूंगा मुन्ना कि तुम्हें किसी भविष्यवक्ता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आओ मैं उस विषय में भी बात करता हूँ, राजा दाऊद जो है जब परमेश्वर का ब्लेसिंग उसके ऊपर आया, परमेश्वर का आशीष आया, पर राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर के पीछे भागा, ना कि किसी भविष्यवक्ता के पीछे आया, बल्कि भविष्यवक्ता जो है उसके पीछे आया। शमूएल इतने बड़ा भविष्यवक्ता था जो उस समय राजा जो है उसको शमूएल को झुक कर प्रणाम करता था, और आप जो है भविष्यवक्ता के पीछे जा रहे हैं, आपकी भविष्यवक्ता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं
आपको परमेश्वर के पीछे जाने की जरूरत है। जिस समय आप परमेश्वर के पीछे जाने लगेंगे और भविष्यवक्ता जो है वो आपके पीछे आने लगेंगे, जी हाँ, वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, बड़े बड़े अधिकारी जो है वो आपको मिलने के लिए चाहेंगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, ध्यान से सुनिए मुन्ना, आज जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अनमोल वचन है। जी हाँ मुन्ना, एक वचन मैं तुम्हें और बताना चाहूंगा मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। पहला समूएल उसका 16:13 जब दाऊद जो था, जब परमेश्वर का ब्लेसिंग आया दाऊद के ऊपर, देखिएगा दाऊद जो है एकमात्र की जो था चरवाहा था, भेड़ बकरी को चरा रहा था, देखिएगा वो कितना कमजोर था, है? अब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा, वहां पर जाओ उसका अभिषेक करो, वहां पर एक है उसको अभिषेक करो। शमूएल को पता नहीं था लेकिन परमेश्वर को पता था कि कौन है। देखिएगा वहां पे परमेश्वर ने दाऊद को कैसे सुना और उसे दाऊद को चुनकर उसे अधिपति यानी कि राजा बना दिया, दाऊद राजा हो गया। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, जब शमूएल जो है जब दाऊद पे अभिषेक किया, तेल छिड़का, तेल से अभिषेक किया, तो वहां पे कई दाऊद के भाई थे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, वहां पे कई भाई थे लेकिन उन बड़े 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 भाई जो थे उनको परमेश्वर ने नकार दिया, उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना। जी हाँ, क्योंकि दाऊद ही एक ऐसा इंसान था जो हृदय के नर्म था और एक चरवाहा था। जी हाँ, वहां पे पढ़िएगा पहला शमूएल उसका 16:13 में लिखा हुआ है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। किसका? दाऊद का अभिषेक किया उसके भाइयों के मध्य में यानी भाइयों के बीच में। अब भाई जो है वो चकित हो गया, अरे इसको तो हम कोई मानते ही नहीं है, इससे तो हम प्यार भी नहीं करते, ये तो ऐसा ही चुटपुंडिया लड़का था, परमेश्वर इसको चुन लिया, परमेश्वर का मोल हो गया ये और हम वहीं को रह गए, अरे ये कैसे हो गया। जी हाँ मुन्ना, इसलिए तुम्हें चिंता करने जरूरत नहीं है कि कौन आपकी पत्नी को ट्रांसफर करेगा, आप परमेश्वर को सिर्फ अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कीजिए। जी हाँ, परमेश्वर में चहिता बन जाइए, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल बन जाइए, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और परमेश्वर जिस दिन आप लोग से प्रेम करना शुरू कर देगा मेरे मसीह भाई बहनों, उस दिन अधिकारी लोग आपको झुक कर सलाम करेंगे, उस दिन अधिकारी लोग आपके पास आएंगे, उस दिन भविष्यवक्ता आपको फोन करेंगे कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं फलना मीटिंग में जा रहा हूँ। जी हाँ, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर का चहेता बन जाइए, आपको प्रॉफिट के पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ प्रॉफिट के पीछे जाके प्रॉफिट आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए कि मैं मेरा जिंदगी बदल जाए और मैं आशीषित हो जाऊं, परमेश्वर के पीछे जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को सुनकर मुन्ना मेरे मसीह भाई बहनों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। पास्टर जी, आपने तो मेरा होश ही उड़ा दिया ये वचन बताकर। सच में अगर हम परमेश्वर का लाडला बन जाते हैं, परमेश्वर का चहेता बन जाते हैं, तो लोग जो है वो मुझे इज्जत सम्मान करने लगेगा, अधिकारी लोग मेरे पीछे होने लगेंगे, बोलेंगे हाँ अधिकारी लोग मेरे पास आएंगे। बाप रे बाप, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। सच में अगर हम परमेश्वर के पीछे हो ले, जिस तरह से राजा दाऊद था वो परमेश्वर से पीछे हो लिया, तो भविष्यवक्ता जो है वो उनकी उनके पास आते थे मिलने के लिए, बात करने के लिए। सच में आपसे हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, किसी अधिकारी के पीछे नहीं जाएंगे। आपसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का लाडला बनेंगे, तब लोग जो है झुक कर मुझे प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत अच्छा वचन बताया। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर करके जाइए। जी हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे, आमीन।